श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में स्त्री सत्संग सभा की ओर से कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने प्रभु महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य बनवारी प्रसाद शास्त्री ने कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर सुमन पाठक, निर्मल शर्मा, किरण मिन्हास, रानी सुशील, श्रद्धा, विमल, देविका, राधा, किरण, मंजू, शमा, पूनम, मीना, रुचिका, सुदेश, त्रिशला, पूनम आहूजा, मधु, सपना, श्रुति, मोनिका, कामिनी सहित मंदिर के पुजारी सुरेश शास्त्री, कुशल प्रसाद शास्त्री, कमलेश्वर प्रसाद शास्त्री, द्वारिका प्रसाद नोटियाल, हर्ष, योगेश, राकेश सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। माघ मास के उपलक्ष्य में चल रही माघ माहात्म्य की कथा का आज बड़े धूमधाम से भजन संकीर्तन के साथ में समापन किया गया। बहुत से श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लेकर के इस कथा का आनंद लिया। पूरे मास ये कथा चलती रही और यहाँ पे अधिक से अधिक भक्त आकर के प्रतिदिन कथा श्रवण करते थे। और हमारे इस पंजाब एवन्यू अर्बन स्टेट फेस वन के ही नहीं बल्कि माल टाउन, गुरु तेग बहादुर नगर, लाजपत नगर, मोहता सिंह नगर और अन्य कई जगह से, फ्रेंड्स कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी से सब बहुत सारे भक्त लोग बड़े दूर दूर से आकर के प्रातः 8 बजे से और 10 बजे तक ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता था। सभी ने ये कथा श्रवण की। हमारी श्री सत्यनारायण स्त्री सत्संग सभा द्वारा प्रतिदिन भजन कीर्तन चलता रहा। आज भी उन्होंने बड़े धूमधाम से कीर्तन भजन के साथ में और इस जो कथा माघ माहात्म्य की कथा का विश्राम दिवस का बड़ा आनंद लिया। मेरे साथ आए हुए सभी विद्वत वृंद जिन्होंने सबने अपना सहयोग दे करके इस कथा के साथ में यज्ञ का भी आज समापन किया गया। तो आप सभी का शहरवासियों को तक हमारी ये गतिविधि, जो धार्मिक गतिविधियाँ पहुँचाने के लिए मैं दैनिक सवेरा और हलचल चैनल के मुख्य संपादक हमारे श्री शीतल वी जी, जिनके द्वारा हमारी सारी धार्मिक गतिविधियाँ सभी जगह पहुँचती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सभी भक्तगणों का जिन्होंने यहाँ पर प्रतिदिन उपस्थित होकर के बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में, पीछे तो बड़ी ठंड थी, बड़ी ठंड में भी श्रद्धालु लोग आए और सभी लोगों ने अपने अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार सामग्री, यज्ञ की संविधा, साकल्य इत्यादि सब दे करके और इस यज्ञ को बड़े धूमधाम से और आज तो बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए।